बच्चों हम लोग आज पार्ट 3 साहसी स्वाति कहानी पढ़ेंगे जो प्रेषक प्रसंग पर आधारित कहानी है। यह पाठ साहसिक प्रसंग पर आधारित है। इसमें स्वाति नामक एक साहसी लड़की की कहानी है जिसने अपने सहपाठिन को पानी में डूबने से बचाया। साहसी स्वाति की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बच्चों इसमें एक लड़की है स्वाति नाम की जो बहुत साहसी है और अपनी सूझबूझ समझदारी एवं बहादुरी से कैसे अपने मित्र एवं दोस्त को बचाती है, इसी कहानी को आगे पढ़ते हैं। पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय कराया। यह स्वाति है, अब इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे स्वाति से बोली, स्वाति तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। तुम इनकी सहायता से उन पाठों को तैयार कर सकती हो। पाठशाला में एक नई लड़की आई और नए नए विद्यालय में दाखिला लिया। अध्यापिका ने शिक्षिका ने कक्षा में उसका परिचय सभी से करवाया एवं सबसे मिलवाया और बोली स्वाति को बोली कि इस क्लास की इस कक्षा की लड़कियों से क्या क्या पढ़ाई हो चुकी है इस क्लास में, वह सब इनसे तुमको सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी, इन लोगों से उन पाठों को तैयार कर लेना। स्वाति सुंदर थी, वह चुपचाप सी रहती थी। उसकी कक्षा की लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थी परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती थी। लड़कियों को लगा कि स्वाति बहुत घमंडी है, अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। स्वाति सुंदर थी लेकिन बहुत शांत चुप रहती थी। कक्षा की सब लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थी परंतु वह उन लोगों से दूर दूर रहती थी। तो सभी लड़कियों को लगा कि स्वाति बहुत घमंडी और अभिमानी लड़की है, अतः वह बाद में उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। झील का वातावरण बहुत आकर्षण था। पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार इस स्थल की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। एक दिन विद्यालय में बच्चों को पिकनिक ले जाने का फैसला किया गया। पिकनिक का स्थान कैसा चुना गया था? झील वाले, जहाँ का वातावरण बहुत मनमोहक आकर्षण था। चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र थे, फूलों से भरा हुआ था और फूलों की सुंदरता और उस स्थान को और सुंदर बना रही थी और उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। अन्य लड़कियों ने सोचा कि स्वाति पिकनिक पर नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन स्वाति ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। सभी उस कक्षा की लड़कियों को लगा कि स्वाति तो घमंडी लड़की है, अभिमानी है, शायद हो सके कि वह हम लोग के साथ पिकनिक पे जाना पसंद नहीं करेगी। लेकिन स्वाति तो पिकनिक पे जाने के लिए उस दिन सबसे पहले भी विद्यालय के द्वार पर आके खड़ी थी। सभी को आश्चर्य लग रहा था। सभी लड़कियां और अध्यापिका बस में बैठकर पिकनिक स्थल पहुँच गई। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिका ने दरिया बिछा दी। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगी, कुछ घूमने निकल गए। सभी लड़कियां और अध्यापिका मिलकर बस में बैठकर पिकनिक वाले स्थान पर पहुंच गए। एक अच्छा खासा स्थान दिखा, वहां अध्यापिका ने दरिया बिछा दी, कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगी, खेलने लगी, कुछ घूमने लगी। स्वाति आज भी अपने सहपाठियों, अपने मित्रों, दोस्तों से अलग अकेली घूम रही थी। वह एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। अचानक
धप की आवाज हुई और एक चीख गूंज उठी। स्वाति उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। बच्चों, आगे की कहानी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इतना आप लोग इसका अच्छे से पढ़िएगा एवं अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद।